मैं शालिनी। अगर आपको किसी भी रीज़न पे मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल बटन होता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज का जो वीडियो है एक होममेड फेशियल रेमेडी है। तो चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो सब सामग्री मैंने ली ये सारी हमारी किचन में अवेलेबल होती है, तो इसी से मैं आज आपको होममेड फेशियल बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है बेसन, उसके बाद टमाटर आधा कटा हुआ, रॉ मिल्क कच्चा दूध एंड चीनी, कॉफ़ी पाउडर और दही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फेशियल। तो सबसे पहले जो मैंने कच्चा दूध लिया था वो मैं अपने चेहरे पे पूरे अप्लाई करूँगी कॉटन की हेल्प से। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग। तो इससे हम हमारे चेहरे पे क्लिंजिंग करेंगे इसको पूरे अच्छे से, पूरे गर्दन में और फेस पे अच्छे से कवर कर देंगे लगा के, और फिर अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से इसे मसाज करेंगे। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, उसी तरह से आप लोगों को करना है ये। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर बाद धो लिया है नॉर्मल वाटर से, अपना फेस वॉश कर लिया है। देन सेकेंड स्टेप आता है हमारा स्क्रबिंग। तो स्क्रब हमको टमाटर और चीनी से करना है, पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करना है, नेक को ना भूलें। और इसको हल्के हल्के हाथों से करना है, उसके बाद फिर से नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। देन हमारा थर्ड स्टेप आता है मसाज। तो मसाज के लिए हमको लेना है बेसन और इसमें मैं मिलाऊंगी दही, एक चम्मच बेसन ले सकते हैं आप और दही। तो दही आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से रख सकते हैं, हमें ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है। अच्छे से इसको मिक्स करके इसको अपने हाथ की हेल्प से पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है और इसे अच्छे से मसाज करनी है पूरे चेहरे पे अप्लाई करने के बाद। और इसे बहुत सारे बेनिफिट है हमारे चेहरे पे, हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे चेहरे को। और कुछ भी आप चीज़ अप्लाई करते हो तो नेक को ना भूले, क्योंकि नेक हमारे एकदम चेहरे का पार्ट ही है कि जो हमको चेहरे से चेहरा दिखता है और नेक अलग दिखता है अगर हम लोग कुछ भी यूज़ करते हैं तो। देखिए मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ, उस तरह से करना है आपको। ये सारी फेशियल स्टेप्स हमें यूज़ करनी है, इसे 5 मिनट रखना है, तो ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। 5 मिनट के बाद इसे नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। इसको फेस वॉश करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप आती है फेस पैक। तो फेस पैक के लिए मैंने कॉफ़ी लिए और उसमें मिलाई है चीनी 1 टेबल स्पून के करीब, और इसमें ये अच्छे से मेल्ट हो जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा दूध मिला रही हूँ 1 चम्मच के करीब। आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा लिया है तो। देन इसको अच्छे से फेंटना है, इसकी दलगोना कॉफ़ी नहीं बनानी है हमें, इसको बस थोड़ा सा नॉर्मल ही रखना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद इस तरह से कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी एंड फिंगर की हेल्प से पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। आप इस फेशियल को अगर घर वीक में 2 बार भी ट्राई करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है।
अगर आप इसको वीक में दो बार करते हो तो तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे को फर्स्ट टाइम पे इसका रिजल्ट मिल गया था, उसको आपका रिजल्ट देख के पता चल जाएगा कि कैसा है। आप घर पे ज़रूर ट्राई करना ये सब। और इसको 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट के बाद इसे जिस तरह से आप नॉर्मल फेस पैक यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करना है। और देखिए मेरा ग्लो, वाकई में बहुत अच्छा ग्लो आया था इसके बाद। तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है फेस वॉश करने के बाद, बहुत अच्छा ग्लो आया था। आप ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आप ज़रूर ट्राई, फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड नाइट।